फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डिजिटल टू रियल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ I2C आर्बिट्रेशन। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है I2C आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेट का मतलब होता क्या है? व्हाट डज इट मीन? सो आर्बिट्रेट मीन्स टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट between two people or groups by finding a solution that both can accept। अगर दो ग्रुप और दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही हो या फिर कोई आर्गुमेंट हो रही हो तो उसको सेटल करने का प्रोसीडर ही आर्बिट्रेट है, जिससे कि ऐसे किसी सोल्यूशन में पहुँचे जिससे कि दोनों ही ग्रुप्स एक्सेप्ट कर पाए। नाउ I2C is designed for multiple master, that means more than one device can initiate transfers. So I2C bus, उस पे हम we can connect more than one master, more than one slave also. It is a multiple master, multiple slave system. ठीक है, जहाँ पे master initiate करता है कोई भी transaction. So the master initiate the transaction or master initiate the transfer, जिसके बारे में we have already discussed in my previous videos of I2C. Please have a look on it and I will provide a link about them in the description box. मैंने अपने previous videos में I2C basic operation के बारे में discuss किया है, आप उस link को description box से देख सकते हो। सो ये आपका हमारे पास एक सिस्टम है I2C का एट प्रेजेंट। ठीक है, ITC में दो बस लाइन होते हैं, SDA और SCL। मास्टर 1, मास्टर 2, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। ठीक है, ये पांच डिवाइसेस का सिस्टम है जिसमें दो मास्टर है, मास्टर 1, मास्टर 2 और तीन स्लेव है, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। और उन सबको कनेक्ट किया गया है थ्रू द वायर्ड एंड लॉजिक। सो सारे के सारे डिवाइसेस का एंड SDA लाइन कनेक्टेड है थ्रू द वायर्ड एंड लॉजिक, और सारे के सारे डिवाइसेस का SCL कनेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो थ्रू वायर्ड एंड लॉजिक। दिस इज हाउ अ सिस्टम ऑफ I2C लुक्स। नाउ बस आर्बिट्रेशन। Bus arbitration occurs when two or more masters start a transfer at the same time. Few minutes back, I was talking about what do you mean by arbitrate. Arbitrate का मतलब क्या होता है? जब दो groups या दो individuals के बीच में कोई disagreement हो या फिर कोई fight हो या argument हो, उसको settle करना, और वो इस तरह से settle हो कि ऐसे एक solution में पहुँचे कि दोनों ही ग्रुप्स या दोनों ही इंडिविजुअल्स उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली बस आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम मैंने अभी आपको शो किया जिसमें दो मास्टर्स थे एंड थ्री स्लेव्स वेयर देयर, सो नाउ टू मास्टर्स इफ दे इनिशिएट अ ट्रांसफर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो बस आर्बिट्रेशन में होता क्या है, दो से ज्यादा मास्टर्स ट्रांसफर करते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो बस आर्बिट्रेशन वो मेथड है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मास्टर विल टेक द होल्ड ऑफ SDA एंड SCL लाइन, कौन सा मास्टर SDA और SCL लाइन को कंट्रोल करेगा दोनों मास्टर्स में से, और कौन से मास्टर को होल्ड बैक करना पड़ेगा अपना डेटा सो दैट पहले एक मास्टर कंप्लीट कर ले ट्रांसफर SCA, SCL और SDA लाइन के ऊपर, उसके बाद वो ट्रांसफर करे। सो हियर इज द मास्टर 1, हियर इज द मास्टर 2, हियर इज द स्लेव 1, हियर इज द स्लेव 2, हियर इज द स्लेव 3। ये SDA लाइन है, ये SCL लाइन्स है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस मास्टर को हाईलाइट किया है विथ ऑरेंज और ये बाकी के तीनों ब्लू है, क्योंकि एट ए टाइम मास्टर 1 अगर कोई एड्रेस भेजेगा SCL और SDA लाइन में, ठीक है, तो वो
एड्रेस इन सब तक पहुंचेगा. एट दैट मोमेंट ये चारों के चारों दे विल एक्ट एज स्लेव्स. सपोज मास्टर वंस इश्यूज अ स्टार्ट सीक्वेंस एंड सेंड्स एन एड्रेस, ऑल स्लेव विल लिसन इंक्लूडिंग मास्टर टू, व्हिच एट द टाइम इज कंसिडर्ड अ स्लेव एज वेल. सो मास्टर वन जब स्टार्ट करेगा ट्रांसफर, वो स्टार्ट करेगा सीक्वेंस और सेंड करेगा एक एड्रेस, सभी स्लेव्स उसको लिसन करेंगे. ओके, इंक्लूडिंग मास्टर टू जो एट प्रेजेंट एक स्लेव की तरह एक्ट करेगा रादर देन ए मास्टर. इफ द एड्रेस सेंड डज नॉट मैच मास्टर टू, देन द मास्टर टू विथहोल्ड्स इट्स ट्रांजैक्शन अंटिल द बस बिकम्स आइडल. अगर जो एड्रेस सेंड किया मास्टर वन ने वो मास्टर टू के एड्रेस के साथ मैच ना हुआ हो तो क्या करेगा मास्टर टू, तो वो ट्रांजैक्शंस को विथहोल्ड करेगा, वो अपने ट्रांजैक्शंस को विथहोल्ड करेगा और वो वेट करेगा कब बस आइडल होगा और कब मैं अपने ट्रांजैक्शन भेजूंगा. ये एक वायर्ड एंड कनेक्शन है. ठीक है, एक ये वायर्ड एंड कनेक्शन दिखाया गया है जिसमें ये तीन डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये तीन डिवाइसेस के SDA कनेक्टेड है टुगेदर, जो मैंने ये ब्राउन कलर से शो किया है. और ब्लू कलर से मैं क्या शो कर रही हूँ, ब्लू कलर से शो कर रही हूँ SCL कनेक्टेड है. ये पुल अप रजिस्टर्स है जो VDD के साथ कनेक्टेड है. तो ये वायर्ड एंड कनेक्शन है, मतलब A एंड B इज इक्वल टू, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल लिखूं तो A0 B0 हुआ तो आउटपुट वुड बी 0, A0 B1 हुआ तो आउटपुट वुड बी 0, A1 B0 हुआ तो आउटपुट वुड बी 0, AB दोनों 1-1 हुए तो आउटपुट वुड बी 1, ओनली एट दैट कंडीशन. पर कोई भी लाइन अगर 0 हुआ या चार तीनों डिवाइसेस में से कोई भी जो डिवाइस है वो लो करके रख सकता है SCL या SDA लाइन को. ओके, अगर वो लो करके रखेगा तो फाइनली SCL और SDA लाइन लो ही होंगे. अगर सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड उसको हाई करना चाहे तभी वो हाई होगा, अदरवाइज कोई भी डिवाइस चाहे तो उसको लो करके रख सकता है. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बस हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम दैट कैन ऑकर इन द इवेंट that one master misses the start sequence and still thinks the bus is idle. So physical structure तो SCL और SDA लाइन का है, वो इस तरह से है कि वो हैंडल कर सकता है जब प्रॉब्लम ऑकर हो ऐसे एक इवेंट में जब एक मास्टर मिस कर जाए कि दूसरे मास्टर ने ट्रांजैक्शन या फिर स्टार्ट सीक्वेंस सेंड किया है पर वो मास्टर सोच रहा है कि नहीं बस आइडल है मैं भेज सकता हूँ. तो ये जो कंडीशन है ना इसको हैंडल करता है SDA और SCL लाइन का फिजिकल स्ट्रक्चर. ओके, जिसमें हम अभी फिजिकल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट SCL एंड SDA लाइन आर फिजिकली मेड सच दैट व्हेन वन मास्टर इज मेकिंग अ ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर एंड समहाउ द अदर मास्टर हैव मिस्ड द स्टार्ट सीक्वेंस but thinks that the bus line is idle but still they cannot send their own transfers on the bus unless or until the bus transfer from the first master is completed. Now bus structure is wired and okay, and this means that if the device pulls bus line low then the line stays low. That is what I have said few minutes back. When master 2 changes the state of the line to high, then the line must go high. If the bus line does not go high, then the bus is occupied already by some other device which has put the line low, such as master 1. So, अभी हमने ये बात की कि अगर master 2 अपना transfer start करना चाहे bus line में और वो एक particular SCL या SDA line को pull करना चाह रहा है up. SDA लाइन को सपोज वो पुल करना है चाह रहा है अब, लेकिन वो अब पुल नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मास्टर वन
और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब मास्टर टू ट्रांसफर पुल अप करना चाह रहा है SDA लाइन को, मास्टर वन ने उसको पुल डाउन करके जीरो पे रखा है. सो मास्टर टू चेंज नहीं कर सकता स्टेट ऑफ द SDA लाइन फ्रॉम जीरो टू वन अनलेस और अनटिल द मास्टर वन हैज स्टॉप्ड इट्स ट्रांजैक्शन एंड द बस लाइन इज आइडल. So here is the master one, here is the master two, and here are three slaves. Slave one, slave two, slave three. Okay, and this SDA and SCL line are connected between master one and master two, and even with the slave one, slave two, and slave three. जो अभी हमने जिस चीज की बात की ना कि master two transaction शुरू करना चाह रहा है, पर क्योंकि bus line idle नहीं है तो उसका ट्रांसफर कैंसिल आउट हो जाएगा. वो ट्रांसफर उसको विथहोल्ड करना ही पड़ेगा या फिर उसको ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मास्टर वन ने स्लेव टू को एड्रेस किया था और वो मैच हो गया है और वो ट्रांसफर कर भी रहा है डेटा. सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बस लाइन आइडल नहीं है. सो बस टू मास्टर टू कैन नॉट मेक द ट्रांजेक्शन नाउ और द ट्रांसफर नाउ. Thus, master does not get his data on the bus for as long as there has been no stop sequence present on the bus. It won't touch the bus line and leave the SCL and SDA line alone. So, master 2 को access नहीं मिला bus line का, उसको wait करना पड़ेगा stop sequence का. Stop sequence के बाद SCL और SDA line idle हो जाएंगे, उसके बाद ही वो transfer कर सकता है उन पे. Now at this present moment SCL and SDL line वो touch नहीं कर सकता. Now a rule of thumb, if the master cannot make the data line to go high then it loses arbitration. हाँ यही है arbitration का मतलब. मतलब master 2 तो transfer नहीं कर पाया SCL और SDL line में क्योंकि already SCL और SDL line is occupied by master 1. So, उसको अपने डेटा को विथहोल्ड करना पड़ा. इसका मतलब है मास्टर वन जीत गया इन द आर्बिट्रेशन और इस चीज के लिए मास्टर टू को एग्री करना पड़ता है एंड मास्टर टू वेट व्हेन द SCL एंड SDA लाइन विल बी आइडल इट विल सेल द ट्रांसफर. सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मास्टर टू लूजेस द आर्बिट्रेशन एंड नीड्स टू बैक ऑफ एंड वेट अंटिल द स्टॉप सीक्वेंस सी. So this is how is the structure of our system. Master 2 has to wait. Master 1 is go. SD and SCL line. Slave 1, slave 2, slave 3. Later Master 2 can check the line and make another attempt when the line is free. Jab line free hoga, tab Master 2 fir se SCL or SDA line ko occupy karne ka ya access lene ka koshish karega. When the लाइन्स आर फ्री. नाउ हम सिग्नल डायग्राम से एट प्रेजेंट एक एग्जाम्पल देखेंगे स्लेव वन और स्लेव टू के SCL और SDA लाइन का. SCL लाइन क्या होता है? क्लॉक लाइन. एंड SDA लाइन इज द डेटा लाइन. सो हियर यू सी दिस इज द डेटा लाइन ऑफ मास्टर वन. ओके हियर इज द क्लॉक लाइन ऑफ द मास्टर वन. हियर इज द डेटा लाइन of the master 2. Here is the clock line for the master 2 and here data line is empty where the clock line you can see like this. Okay, now ये master 1 का data line है. ठीक है, तो ये देखो आपका clock. Clock is glowing low after the SDA line. सो ये स्टार्ट सीक्वेंस शुरू हो गया. सो दिस इज स्टार्ट सीक्वेंस. मैंने डेटा को यहाँ पे फाइनल डेटा को एम्प्टी रखा है क्योंकि हम देखेंगे किस तरह से मास्टर वन और मास्टर टू का डेटा इंटरप्रेट होता है SCL लाइन में और SDA लाइन में और किस तरह से फाइनल डेटा आता है. ठीक है, टू द स्लेव. सो ये आपका स्टार्ट सीक्वेंस हो गया. यहाँ पे देखो ये ऑल 4100, ऑल 4100, ऑल 41001, ऑल 41001, ये आपका स्लेव एड्रेस है जो मास्टर वन और मास्टर टू सेंड कर रही है. दोनों सेम एड्रेस है. देखो क्लॉक भी सेम है.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सेम टू सेम, ठीक है, ये दोनों सेम है, एड्रेस सेम है। उसके बाद में रीड राइट भेज रही हूँ, जीरो है, जीरो है, इसका मतलब है अभी राइट होने वाला है, ठीक है, तो जीरो मैंने भेजा। उसके बाद यहां मैंने एक भेजा, एक लो कब होगा, एक जब लो होगा वो स्लेव कहेगा कि हाँ मैंने डेटा रिसीव कर लिया है और वो पुल डाउन कर देगा, एट प्रेजेंट एक इज हाई, ठीक है। उसके बाद इन दो, यहां तक आप देखो पूरा डायग्राम अच्छे से देखो, ये पूरा एग्जैक्टली सेम है, डेटा मास्टर वन डेटा मास्टर टू का SCL लाइन और SDL लाइन। लेकिन अब इस पॉइंट से देखो जहां अब मैं डेटा सेंड कर रही हूँ, देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, सो यहाँ पे 0 1 के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है, रादर 1 इज कमिंग हियर, ठीक है। तो मास्टर 1 ने क्या किया, पुल डाउन कर दिया SDL लाइन को, लेकिन मास्टर 2 का अभी भी 1 है, तो SCL लाइन जो फाइनल आएगा ना SDL लाइन, उसमें पुल डाउन होगा एंड द मास्टर 1 हैज वोन द आर्बिट्रेशन। सो ये वाला डेटा मैटर ही नहीं करेगा, मास्टर 1 का जो डेटा होगा वही मैटर करेगा बिकॉज इट हैज वोन द आर्बिट्रेशन। यहाँ पे हमने डेटा भेजा, ये देखो आपका डेटा, ठीक है। उसके बाद फिर से एक है, ठीक है, और उसके बाद स्टॉप सीक्वेंस है, देखो SDA इज गोइंग हाई आफ्टर SCL लाइन, सो स्टॉप सीक्वेंस सेम स्टॉप सीक्वेंस, ओके। अब हम इसका देखो, यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस प्रॉपरली है, यहाँ पे नहीं है, और ये अभी हम डेटा हमने फिल नहीं किया है, ये एक और ये स्टॉप था, ओके। नाउ हियर आर द फ्यू पॉइंट्स आई वांट टू हाईलाइट फ्रॉम द वेवफॉर्म। इन दिस एग्जाम्पल टू मास्टर्स हु हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ द बस लाइन हैव सेम स्पीड एंड बोथ आर इन द राइट मोड एंड वांट टू एक्सेस द सेम स्लेव। वो पॉइंट हमने देखा कि दोनों की स्पीड सेम थी, दोनों का दोनों के दोनों राइट मोड में थे और दोनों सेम ही स्लेव को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। द स्लेव एक्नॉलेजेस इट एंड सो फार बोथ द मास्टर आर अंडर द इम्प्रेशन दैट इट ओन्स द बस बिकॉज सो फार दे हैव ट्रांसमिटेड द सेम डेटा ऑन द बस। अब दोनों के दोनों मास्टर ने डेटा तो सेंड कर दिया एंड दोनों के दोनों मास्टर बिलीव दैट दे हैव वोन द आर्बिट्रेशन, जब स्लेव एक्नॉलेज कर रहा है, ठीक है। नाउ ईच मास्टर वांट्स टू ट्रांसमिट इज ओन डेटा टू द स्लेव। अब दोनों के दोनों मास्टर खुद का डेटा दे वांट टू ट्रांसफर इट टू द स्लेव। द मोमेंट देयर डेटा बिट्स डू नॉट मैच एनी मोर देन द मास्टर एनी मोर, जब दोनों के डेटा बिट्स मैच नहीं करते, देन मास्टर टू लूजेज आर्बिट्रेशन, मास्टर टू आर्बिट्रेशन लूज करता है एंड इट मस्ट बैक ऑफ, वो बैक ऑफ कर देता है बिकॉज व्हेन मास्टर टू ट्राइज टू मूव द SDA लाइन हाई द डेटा ऑन द बस रिमेन लो ड्यू टू द वायर्ड एंड कॉन्फिग्रेशन एज मास्टर 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइज इट। हमने इस बात को डिस्कस किया था कि मास्टर 2 जब SDA लाइन को हाई करना चाहता है, मास्टर 1 उसको लो रख रहा है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द वायर्ड एंड लॉजिक SDA लाइन लो ही रहेगा। फाइनल वेव फॉर्म है जहां पे मैंने अल्टीमेटली SDA लाइन लिखा है, सेम टू सेम है ये, सेम जो वेव फॉर्म हमने पहले देखा था ये सेम टू सेम है। इसमें मैंने सिर्फ ये मेंशन किया है मास्टर 1 ने विन किया है, मास्टर 2 ने लूज किया है, और देखो यहां तक तो ऑल सेम था, हमने देखा था ये स्लेव का SDA और SCL लाइन है, ठीक है, एड्रेस सेम था, उसके बाद एड्रेस यहां तक था सेम, इस लाइन तक था, ऑल 4 1 0 0 1, ठीक है, 7-bit एड्रेसिंग होती है और 10-bit एड्रेसिंग होती है इन द I2C, सो हियर इज द 7-bits, ऑल 4 1 0 0 1। उसके बाद ये दोनों लो थे, इसका मतलब राइट मोड था, तो फाइनली यहाँ पे भी लो है। एक अब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिस मास्टर ने विन किया है लो होके, दिस
DA line will go low to send the acknowledgement. Yes, I have received the proper slave address. उसके बाद डेटा सेंड प्रोसेस शुरू होगा. ये देखो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ स्लेव का. उसके बाद डेटा सेंड प्रोसेस शुरू. 000 सेम, 111 ये सेम है. इसके बाद देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है. सो वायर्ड एंड लॉजिक ये 0 ही होगा और ये अल्टीमेटली वही सेम फॉलो करेगा जो डेटा 1 का मास्टर का है. देखो ठीक है. इसके बाद यहाँ पे फिर से डेटा सेंड के बाद एक आएगा. ये हाई है पर ये लो हो जाएगा. यस आई हैव रिसीव द डेटा ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट में. और अल्टीमेटली ये स्टॉप सीक्वेंस आ गया. सो दिस इज हाउ द स्लेव एस डी एन एस सी एल लाइन विल लुक लाइक. ओके बस मास्टर टू डज नॉट गेट इट्स डेटा ऑन द बस एज लॉन्ग एज देयर हैज बीन नो स्टॉप सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द बस टिल देन इट वोंट टच द बस. So, hope you are able to understand the I2C arbitration process. If you like the video, share with your friends. Please subscribe the channel and have a very nice day. Bye-bye.